नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माय ब्लॉग एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम है जय। आज हम रिव्यू करेंगे यार एशियन बिजनेस स्कूल के बारे में जो नोएडा में है। यस, नोएडा बहुत ज़्यादा फेमस है एजुकेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे एशियन बिजनेस स्कूल आपके लिए बेटर होगा या नहीं होगा। ऐसे तो देखो एशियन लॉ स्कूल बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया में लॉ के लिए, लेकिन पीजीडीएम यहाँ पे कैसा होता है, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम प्रोज एंड कॉन्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस फैकल्टीज कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ पे पढ़ाई का माहौल क्या है, लिटरली हम रियलिटी जानेंगे इस इंस्टीट्यूशन का कि यहाँ पे होता कैसा है आखिर पढ़ाई। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये बात बता दूं, जो भी मैं डिटेल्स बताऊंगा आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ओवरव्यू के साथ, और साथ साथ में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आपको आंसर देते चलूंगा। तो जैसे कि देख सकते हो आप, इनका एस्टेब्लिशमेंट 2011 में हुआ था, रिकग्निशन इनको AICTE के थ्रू मिल चुका है और प्राइवेट है ऑब्वियसली, एक्रेडिटेशन इनको NVO और NIA के थ्रू मिल चुका है। रैंकिंग का बताऊं तो देखो यार NIRF रैंकिंग इनको मिला नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट रैंकिंग इनको मिला है टॉप 10 बिजनेस स्कूल ऑफ इंडिया बाय नॉलेज रिव्यू मैगजीन, जो कि प्राइवेट है। तो भरोसा करना है कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड कनेक्टिविटी बताओ तो दिल्ली एयरपोर्ट 25.3 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आपको कैब बस और मेट्रो भी मिल जाएगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन 23.1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आपको ऑटो या कैब दोनों मिल सकते हैं। फीस बताओ तो देखो टोटल फीस PGDM का 7,95,000 अराउंड आपको पड़ जाएगा, और हॉस्टल फी 1,32,000 आपको पर ईयर का पड़ने वाला है। यहाँ पे स्कॉलरशिप 3 तरह का दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो आप पॉज करके देख लेना। अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ एडमिशन का। तो देखो यार कैट मैट XLT ये सारे एक्सेप्ट करते हैं, और ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और कैट का जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ निकला है तो आप वो भी देख सकते हो कितना में दे देता है। ओवरऑल 40-60% में आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट क्या है, तो मैं दो तरीके से प्लेसमेंट आपसे डिस्कस करूंगा। पहला तो इंस्टीट्यूट में वेबसाइट क्या बताती है, वेबसाइट में प्लेसमेंट का क्या उन्होंने फिगर्स दिया है, और साथ में दूसरा मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स ने हमें क्या बताया है कि वहाँ पे प्लेसमेंट का रियलिटी क्या है। तो एवरेज प्लेसमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग 7 लाख लग जाता है, और हाईएस्ट प्लेसमेंट 35 लाख तक लग चुका है, और नंबर ऑफ रिक्रूटर्स का कुछ डेटा अवेलेबल था नहीं तो मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। और एज पर कॉलेज स्टूडेंट अगर मैं बताऊँ तो हाईएस्ट ऑब्वियसली इग्नोर ही करो, कोई फायदा नहीं है उसका। एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे लगभग 6.5 से लेकर 7 लाख तक लग जाता है, जो आप कह सकते हो कि ठीक ठाक फिगर है। अब बात करते हैं फैकल्टीज के बारे में। देखो फैकल्टीज आपको यहाँ पे यार अच्छा मिलेगा, हेल्पफुल मिलेगा, स्किल्ड मिलेगा, प्लस एकेडमिक नॉलेज उनके पास काफ़ी अच्छा है जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं। और कोर्स का करिकुलम अगर मैं बताऊं तो वो भी ये लोग ट्राई करते हैं कि रेलेवेंट रहे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो समय चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना भी अलग तरीके से करना पड़ेगा, तो जाके स्टूडेंट मार्केट का टाइम को मैच कर सकता है। अब हम हॉस्टल के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट थिंग क्या है एशियन बिजनेस स्कूल का। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, वाईफाई कनेक्शन, ये सारी चीज़ आपको सारे मिल जाने हैं, और कई तरह के फेस्ट है, एक्टिविटीज़ है जो कराया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपोजर देता है एक स्टूडेंट को। और सबसे अच्छी बात है यहाँ का कि आपको इंटर्नशिप का मौका बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। इसका रीज़न भी है क्योंकि नोएडा में है इंस्टीट्यूट, और आपको पता है कि नोएडा में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो इंटर्नशिप ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चे में ताकि जाए और उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले। और मैं भी मानता हूँ कि इंटर्नशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है एक स्टूडेंट के करियर में। तो ये थे कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको मैं एशियन बिजनेस स्कूल के बारे में बता रहा था। अब हम कॉन्स जानने से पहले इस इंस्टीट्यूट का पहले हॉस्टल देख लेते हैं। तो हॉस्टल का आपको ये सारे फैसिलिटीज़ मिल जाता है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, डाइनिंग फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे, तो ये सारे कुछ फैसिलिटीज़ हैं, आप पॉज करके देख लेना। अब हम बात करते हैं वर्स्ट थिंग क्या है एशियन बिजनेस स्कूल का। तो पहला तो यार देखो हॉस्टल रूम बहुत ज़्यादा स्मॉल है जो हमें बच्चे बता रहे हैं, और कैंपस एरिया भी काफ़ी छोटा है, और स्पोर्ट ग्राउंड भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे छोटा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा। ओके, और एक क्वेश्चन है कि PGDM क्यों चूज़ करना चाहिए, या फिर चूज़ करें तो नोएडा में क्यों पढ़ाई करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा, डिटेल में आपको बताऊँगा कि नोएडा का माहौल क्या है PGDM को लेकर। तो उससे पहले देख लो आप स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा कराया जाता है यहाँ पे, जैसे फाइनेंस कराया जाता है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, इंटरनेशनल बिजनेस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, ये सारे यहाँ पे आपको कराया जाता है। स्पोर्ट फैसिलिटी है कुछ, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट, थ्रो बॉल कोर्ट, खो खो, वॉलीबॉल, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाता है, और एडिशनल डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स भी दिया जाता है जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको देते हैं ताकि आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें रहें पढ़ाई के साथ साथ में, जो कि एक होता है ना कि नॉर्मल बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो नॉर्मल पढ़ाई करके निकलता है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें अगर वो करके रखता है तो उनके CV में थोड़ा सा
वैल्यू ऐड करता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था प्रॉपर रिव्यू एशियन बिजनेस स्कूल का। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह जाता है इस इंस्टीट्यूट को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर, तो आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ कॉन्टैक्ट करो एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। ओके, और हाँ, लास्ट वाला बात जो क्वेश्चन था कि नोएडा में पीजीडीएम का माहौल क्या है, पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहाँ पे। देखो, एक बात मैं लिटरली बताऊँ, नोएडा में थोड़ा सा माहौल मैनेजमेंट को लेकर कम है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत अच्छा कराती है एमबीए और पीजीडीएम। लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, उनका प्रीवियस प्लेसमेंट देखना चाहिए, उनका रैंकिंग देखना चाहिए रियलिटी में कि कैसा है, और बच्चों से भी थोड़ा बहुत पूछना चाहिए। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना है तो वहाँ के बच्चे आपको मिल ही जाएंगे ऑनलाइन में, जाके चेक करो, उनसे बात करो कि कैसा है इंस्टीट्यूट, तब जाके डिसाइड करो कि इंस्टीट्यूट आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन हाँ, इंस्टीट्यूट के भरोसे मत रहना सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई तो मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, थीसिस लिखना अपने सब्जेक्ट पे, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, और हाँ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैनल में बताते रहते हैं, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। इसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।